Hello everyone. In last lecture, we discussed about the all the syllabus, all the contents of the materials chemistry that you learn in the semester 2. In that, we discuss about the 4 units, that is energy 1, then energy 2. The energy weightage for the energy 1 is for 12 marks, then energy 2 is for 10 marks, then lubricants, the weightage for lubricants is 8 marks, and the last one is the polymer and nanotechnology. The weightage for that is the again 10 marks. So today we will discuss about the energy 1, that is unit 1, and weightage for that is the 12 marks. In this unit we will discuss the general introduction about the energy, then what is calorific value, that is the most important property, that is most important property of the fuel. Okay, so in this unit energy 1, जब हम energy कहते हैं तो what is mean by energy, आपके mind में क्या आता है, what is energy? Energy means to do work, means हम जो work करते हैं उसके लिए जो एक strength लगती है, that is nothing but the energy. And in this unit the energy is related to the fuel, that is fossil fuel. So fossil fuel, what is fossil fuel? A fossil fuel, there are various types of fossil fuels, that is इसके अलग अलग types है fossil fuel के. लेकिन fossil fuel का origin कहाँ से हुआ है, कहाँ से तैयार हुआ है fossil fuel? So fossil fuel is nothing but the, it is the natural process, that is the decomposition of the organism in anaerobic condition. जैसे कि natural calamities होते हैं, then that is earthquake, then the volcanoes, और इस प्रोसेस में नेचुरल कैलामिटीज़ में जो बरीड एनिमल्स रहते हैं, बरीड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दैट गेट डिकम्पोज एंड दैट आर कन्वर्टेड इनटू द फॉसिल फ्यूल. सो दिस फॉसिल फ्यूल इज कन्वर्टेड देन इनटू द ऑयल, दैट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल, एंड दिस फॉसिल फ्यूल इज नथिंग बट द एनर्जी. दिस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस गिव्स अस द एनर्जी, दैट क्रूड ऑयल एंड देन द अगेन दैट देन द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर देयर. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट, नाउ वी विल डिस्कस द वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल. कितने टाइप के फ्यूल है ये तो हमने एक जनरल कहा है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो रहता है दैट इज दैट आर द मीन्स जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम प्रोडक्ट निकालते हैं इसमें से, एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के रहेंगे फ्यूल्स, कितने टाइप के रहते हैं आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, कितने टाइप के फ्यूल्स हैं बताइए प्लीज़. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कितने फेज में रहता है फ्यूल, थ्री फेज में. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल इज थ्री टाइप्स, तीन इसमें हम डिवाइड करते हैं फ्यूल. ओके, तो पहला स्टेट कौन सा है फ्यूल का, फ्यूल का पहला स्टेट कौन सा है, सॉलिड फ्यूल. ओके, एक ये पहला स्टेट है, दिस आर द जनरल क्लासिफिकेशन. ओके, देन ये आपको पता रहना चाहिए, हम आगे जाने से पहले ये बेसिक चीज़ें हम लोगों को पता रहना चाहिए. देन सेकेंड स्टेट कौन सा है, लिक्विड, और तीसरा स्टेट जो है फ्यूल का वो है गैशियस. ओके, तो ये है तीन स्टेट फ्यूल के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस. तो मुझे सॉलिड का एक एग्जांपल बताइए, सॉलिड फ्यूल का प्लीज बताइए एक एग्जांपल. आपको पता है सब, कोल, करेक्ट. तो कोल इज द सेकेंडरी फ्यूल, लेकिन दिस स्टेट आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू स्टेट. फर्स्ट वन इज द वुड, दिस इज द प्राइमरी,
सभी इसमें प्राइमरी स्टेट है, लिक्विड का प्राइमरी, देन सॉलिड का प्राइमरी और गैसियस का प्राइमरी। मीन्स ओरिजिनल क्या है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है कोल का। तो सबसे पहला है वुड, प्राइमरी सॉलिड का प्राइमरी है वुड, एंड देन इसका सेकेंडरी रहेगा कोल, क्योंकि वुड से हमने क्या बनाया है, कोल। सो दिस इज द सेकेंडरी। देन फॉर द लिक्विड, लिक्विड का क्या रहेगा बताइए, पेट्रोल डीजल। यस, लेकिन पेट्रोल डीजल जो है दैट इज द सेकेंडरी, पेट्रोल और डीजल जो है वो सेकेंडरी, लेकिन इसका प्राइमरी क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं पेट्रोल और डीजल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल, दीज आर नथिंग बट अ फ्रैक्शंस, डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द क्रूड ऑयल। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द गैशियस फ्यूल। गैशियस का प्राइमरी क्या है, नेचुरल गैस। जमीन के अंदर क्या, फॉसिल फ्यूल से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस, एंड नेचुरल गैस से बना रहे हैं हम, उसका सेकेंडरी क्या रहेगा नेचुरल गैस का बताइए, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, देन सीएनजी। ऑल दीज गैसेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल दैट इज द नेचुरल गैस। ओके, समझ में आया सबको। सो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी मीन्स द कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड एलपीजी मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको। क्योंकि ये जब तक कि हमें समझेगा नहीं, हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो फ्यूल के तीन स्टेट में रहता है फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, ठीक है। सॉलिड में प्राइमरी और सेकेंडरी, लिक्विड में प्राइमरी और सेकेंडरी, और गैशियस में प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सॉलिड में प्राइमरी रहेगा वुड, वुड से बनाते हैं हम कोल, देन और कोक। ओके, बाय प्रोडक्ट है कोक भी बनाते हैं हम, कोल एंड कोक। देन लिक्विड का प्राइमरी जो है क्रूड ऑयल, जो हम जमीन के अंदर जो फॉसिल फ्यूल है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से, दैट इज क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल से हम बना रहे हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट इज पेट्रोल और डीजल। और थर्ड जो है दैट इज गैशियस, वो जो जमीन के अंदर ही, जैसे कि रिफाइनरी से हम निकालते हैं एक तरफ से क्रूड ऑयल और दूसरी तरफ से नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस से हम बनाते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो डे बाय डे ये जो रिजर्व्स जो है फॉसिल के फ्यूल के, दैट गेट्स डिप्लीटेड डे बाय डे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रिजर्व द रिजर्व्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल। देन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल, देन व्हाट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि एक स्टूडेंट की एक आइडियलिटी रहती है, एक आइडेंटिटी रहती है कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसे रहना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट कैसे रहना चाहिए, ही शुड बी रेगुलर, ही शुड बी रेगुलर इन हिज क्लास वर्क एंड होम वर्क। ओके, ही शुड बी अप टू डेट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड स्टूडेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट। वैसे ही एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है एक गुड फ्यूल की। एक अच्छा फ्यूल कब हम कहेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये अच्छा फ्यूल है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड फ्यूल, क्या रह सकती है अच्छी कैरेक्टरिस्टिक, आप बताइए। एक अच्छे, हमें अच्छा एक फ्यूल चाहिए। कोई भी मार्केट में हम जाते हैं तो हम जैसे कि सब्जी भी खरीदती है तो हमें लगता है कि एक जो है सब्जी, एक वेजिटेबल्स जो है, फ्रूट्स जो है, फ्रेश रहने चाहिए। वैसे ही फ्यूल का रहता है। तो फ्यूल कैसा रहना चाहिए, सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक है इट्स कैलोरीफिक वैल्यू, इट्स सीवी, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू शुड बी हाई। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड फ्यूल। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉइस्चर शुड बी लेस। कोई भी फ्यूल लीजिए, जैसे कि हम कोल लेते हैं या तो वुड लेते हैं, मॉइस्चर इन फ्यूल शुड बी लेस। क्या होगा, अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो जलेगा ही नहीं, है ना। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें ड्राई करना पड़ेगा, यानी उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी हमें
एनर्जी कंजम्पशन होगा उसे ड्राई करने के लिए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल इज द मॉइस्चर शुड बी लेस इन दैट. और क्या होगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी. क्या होगा कि लकड़ी को आप गीली है यानी मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्या होगा, वो हेवी बन जाएगी. हेवी बन जाएगी तो क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा. सो द मॉइस्चर शुड बी लेस. देन आफ्टर कंबशन हार्मलेस प्रोडक्ट शुड बी जनरेट. आफ्टर कंबशन, कंबशन मीन्स जलना, वो फ्यूल जलने के बाद हार्मलेस प्रोडक्ट यानी हार्मलेस प्रोडक्ट मीन्स हार्मलेस गैसेस. हार्मलेस गैसेस उससे क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए जो कि हमारे लिए हानिकारक ना हो. जैसे कि SO2 है, SO3 है, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर अस. सो दैट द फ्यूल शुड जनरेट आफ्टर कंबशन हार्मलेस गैसेस. सो दीज आर द देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द लेस ऐश. ऐश मीन्स क्या है, ऐश पता है आप लोगों को, जलने के बाद जो बाय प्रोडक्ट जो रहता है कोई भी कोल सैंपल का, राख, उसे हम मराठी या हिंदी में कहते हैं राख. तो लेस ऐश, जितना ऐश कम रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वो फिर अच्छा रहेगा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबसे पहले क्या है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, हम अभी हम डिस्कस करेंगे. मॉइस्चर उसमें कम रहना चाहिए. तीसरा जो है, हार्मलेस प्रोडक्ट उसने जनरेट करना चाहिए यानी गैसेस जो है वो हार्मलेस रहना चाहिए. दैट शुड बी हार्मलेस फॉर द ह्यूमन बींग एंड लेस ऐश शुड बी रिमेन आफ्टर द कंबशन. देन नेक्स्ट टॉपिक इज द कैलोरीफिक वैल्यू. दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल. द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स द अमाउंट, व्हाट इज मीन बाय कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द यूनिट मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड और द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैशियस फ्यूल. मीन्स क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट. अमाउंट ऑफ हीट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आप इमेजिन कीजिए कि एक कोल सैंपल है, ठीक है, और इस कोल सैंपल को मैंने जलाया है, ठीक है. द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ द फ्यूल. अभी मुझे बताइए, फ्यूल हर कोई चीज़ फ्यूल हो सकता है क्या? जलता तो ये, सपोज ये प्लास्टिक का कैप है, ठीक है, ये भी जलता है लेकिन ये फ्यूल है क्या? नहीं है. पेपर, पेपर भी जलता है लेकिन वो फ्यूल है क्या? नहीं है. मीन्स फ्यूल, व्हाट इज मीन बाय फ्यूल, फ्यूल हम किसे कह सकते हैं? फ्यूल वो है जो द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ, ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट कंबशन. जैसे कि ये कोल सैंपल है और इसे मैंने जलाया है, तो इसे जलाने के बाद जो भी अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड बाय द, इसका कंप्लीट कंबशन होने के बाद, कंप्लीट कंबशन ऑफ यूनिट मास. यूनिट मास किसे कहेंगे हम? सॉलिड एंड लिक्विड. मास किसे कहेंगे, ये आप बात ध्यान से आप लिसन केयरफुली, ठीक है, ध्यान से सुनिए कि यूनिट मास ये पूरा न्यूमेरिकल में आपको आने वाला है, ठीक है. यूनिट मास किसे कहेंगे आप? सॉलिड या तो लिक्विड है. यूनिट मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एंड यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैशियस फ्यूल. वॉल्यूम कब कहेंगे? जब वो गैशियस रहेगा. यही फ्यूल अगर पेट्रोल है, अगर मैंने पेट्रोल को जलाया या तो डीजल को जलाया, उसमें से कितना अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेंड हो रहा है, मुझे मिल रहा है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द कैलोरीफिक वैल्यू. जितना अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा मिलेगा उतनी क्या रहेगी, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा रहेगी. जैसे कि पेपर, पेपर को मैंने जलाया, कितने देर जलेगा? एक सेकेंड. एक पेपर का टुकड़ा लिया मैंने, एक मिनट तक के जलेगा. कितने अमाउंट ऑफ, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कुछ पक सकता है. अगर मैंने पेपर जला के मैं कुछ पका सकती हूँ क्या, या तो कुछ मैं आउटपुट मुझे मिलेगा क्या? जैसे कि फॉर द जनरेशन ऑफ द स्टीम, थर्मल पावर प्लांट में आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए क्या करना है, स्टीम जनरेट करना है. स्टीम के थ्रू आप क्या फॉर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म कर रहे हैं. तो वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में क्या लगता है, कोल सैंपल लगता है, ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट द कोल, ठीक है. और जहाँ, जब ये कोल सैंपल वहाँ पर सप्लाई होता है,
वहाँ सप्लाई होने से पहले इसकी क्या डिटरमाइन करती है, पहले एनालिसिस होता है इसका, इसका कैलोरीफिक वैल्यू दैट इज़ CV, इसका CV पहले एनालिसिस होता है कि इसका CV कितना है, जितना यानी अमाउंट ऑफ हीट है कितना ज़्यादा दे सकता है। और वो जो रहता है कोल सैंपल वो रहता है बिटुमिनस कोल, वो रहता है बिटू, वेरियस टाइप्स, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल दैट इज एंथ्रासाइट एंड सो ऑन। तो बिटुमिनस जो है दैट गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो थर्मल पावर प्लांट में जो भी हमें स्टीम जनरेट करना है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर कोल सैंपल लगता है और वहाँ पर ये डिटरमाइन किया जाता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। जितना कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है उतना ही कोल सैंपल अच्छा है, ठीक है। तो ये जल क्यों रहा है, ऐसे क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये कोल सैंपल में कि जिसके वजह से, जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल लिक्विड है, देन गैसियस है एंड सॉलिड है, ये तीनों लिक्विड में, तीनों स्टेट के फ्यूल में ऐसे क्या कंस्टिट्यूएंट्स है कि जिसके वजह से ये हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है। सो देयर आर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कोल, दैट इज फर्स्ट वन इज द कार्बन, देन सेकेंड वन इज द हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द सल्फर। ये जो है ये पांच मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं फ्यूल के, ओके। और इसके इसके भरोसे ही पूरा कोल जलता है, और उसमें भी ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑल दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्यूल, एनी फ्यूल, कोई भी पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, या तो कोल सैंपल लीजिए तो गैस लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर दीज आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स, कार्बन और हाइड्रोजन। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू हमें जो दे रहा है कोल सैंपल या तो लिक्विड या तो गैसियस, ये किसके वजह से मिल रहा है हमें, ये कार्बन और हाइड्रोजन के वजह से। दीज आर दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। सो दिस देर आर द सिग्निफिकेंस, इसमें सिग्निफिकेंस है, आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए आपको हर साल एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अल्टीमेट एनालिसिस। इसमें अल्टीमेट एनालिसिस और अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, ऐसे दो टाइप के एनालिसिस हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये कोल सैंपल में जैसे कि कहीं पर आपको कोल सैंपल सप्लाई करना है, कोल सैंपल सप्लाई करने से पहले वहाँ पर सारे ये पैरामीटर्स जो है ये पहले इसका एनालिसिस होता है कि ये कोल सैंपल में या तो ये लिक्विड में या तो इस गैसियस में ये सारे कंस्टिट्यूएंट का कितना प्रपोर्शन है। तो सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन किसका होना चाहिए यहाँ पर, कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये किस लिए किया जाता है, टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ दैट फ्यूल, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट एनालिसिस। हाइड्रोजन और कार्बन ये क्या करते हैं, जैसे कि पूरा जो फ्यूल है, हम ये आगे डिस्कस करेंगे, पूरा चेन रहता है कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंबशन ऑफ द फ्यूल। ये जितना हम डिस्कस करते हैं कि इनका रोल क्या है, ठीक है। सो इन अल्टीमेट एनालिसिस देर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, अल्टीमेट एनालिसिस एंड अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। तो ये एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, फॉर द कंबशन कैलकुलेशंस, कंबशन कैलकुलेशंस वो आपको आगे है इस यूनिट में, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो 8 to 10 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं कंबशन कैलकुलेशंस। और दूसरा जो है वो है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो है, जो भी आप सप्लाई कर रहे हैं सैंपल, जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी फैक्ट्री को या तो किसी पावर स्टेशन को, तो वहाँ पर ये सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन इट शुड बी ग्रेटर इन परसेंटेज इन द फ्यूल, ठीक है। देन इफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ग्रेटर, देन द क्वालिटी ऑफ कोल इज गुड। जब जब भी ये कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा, उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि दिट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द टू प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। देन नाइट्रोजन, हर एक इसका रोल रहता है, जैसे कि हर एक की आइडेंटिटी आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, 50 स्टूडेंट्स जैसे हैं, ऐसे ही ये क्या है, कोल सैंपल के अंदर, कोई भी फ्यूल सैंपल के अंदर ये स्टूडेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, हर एक की आइडेंटिटी अलग रहती है ना, हर एक का ओपिनियन अलग रहता है, हर एक का नेचर अलग रहता है, हर एक का, कोई क्लास में फिजिकली बैठते हैं, कोई फिजिकली मेंटली दोनों बैठते हैं, और कोई बैठता ही नहीं है क्लास में, है ना। वैसे ही इन सब चीज़ों का, इन सब पैरामीटर्स का, कंस्टिट्यूएंट्स का रोल है फॉर द कम्बशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन का है, ठीक है। जितना कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उतनी ही कोल की क्वालिटी अच्छी रहेगी। दूसरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, ये इनर्ट है, ये जैसे कि कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा है नहीं है, वो सिर्फ फिजिकली बैठा है, सिर्फ मैडम ने डांटना चाहिए, हमारा अटेंडेंस अच्छा लगना चाहिए, इसलिए बैठा है, वैसे ये नाइट्रोजन का रोल है। नाइट्रोजन का रोल क्या है यहाँ पर, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द कम्बशन, ये कम्बशन करने के लिए कोई भी हेल्प नहीं करता है, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट्स, इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर द कम्बशन, इट इज इनर्ट गैस, आपको पता है नाइट्रोजन इज इनर्ट, इसलिए इसका कम्बशन में कोई भी रोल नहीं है, इसलिए इसका क्वांटिटी कैसे रहनी चाहिए, इट शुड बी निग्लिजिबल, सो इट्स क्वांटिटी शुड बी निग्लिजिबल, यानी नहीं भी रहेगा तो भी चलता है, ओके। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रोल क्या है, ऑक्सीजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करता है, जैसे कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं, अच्छे बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का रोल है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करता है, यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जलने के लिए मदद कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट फॉर्म करने के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को बार बार डिस्टर्ब करता है, व्हेन इट कंबाइन विथ हाइड्रोजन देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ओके। और क्या करता है, वहाँ पर मॉइस्चर फॉर्म करता है, यानी क्या करता है, पूरा क्लास का वो बच्चा, ये क्या, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है, दूसरे बच्चे को तंग करके, है ना, पूरे क्लास का माहौल ख़राब कर देता है, सो इट्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन शुड बी लेस, ठीक है, इसका परसेंटेज कम होना चाहिए। मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल देख के आपको समझा रही हूँ कि ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। देन सल्फर, सल्फर की भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की तरह ही है। ये क्या है, ये इसका रोल क्या है, ये निग्लिजिबल है, न्यूट्रल है ये क्लास में, ये किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता और खुद भी ध्यान नहीं देता, ठीक है। ये क्या करता है, ये दूसरों को डिस्टर्ब कर देता है, क्लास का माहौल ख़राब कर देता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, वो पढ़ाई में अच्छे भी रहते हैं और दूसरों को भी तंग करते हैं, माहौल भी, क्लास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो ख़राब कर देते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये सल्फर का रोल है। सल्फर क्या करता है, कंबशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंबशन, ये क्या करता है, ये कंबशन के लिए हेल्प करता है, लेकिन इट फॉर्म्स द गैसेस, हार्मफुल गैसेस, जैसे कि ये दोनों क्या करते हैं, डिस्टर्ब करने वाले प्राणी हैं, ये क्या करता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 बना लेता है एंड SO3 बना लेता है, ठीक है, आफ्टर कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर मैंने कोल को जलाया, ठीक है, और कोल में अगर सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके उसका SO2 फॉर्म करेगा और SO3 फॉर्म करेगा, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस गैसेस फॉर द ह्यूमन बींग, ठीक है। इसके ये सल्फर क्या है, ये सल्फर कन्वर्ट होता है देन H2SO4 में, एंड दिस H2SO4 इज़ नथिंग बट द एसिड। ये क्या करते हैं, कंपनी में या तो बड़े बड़े प्लांट में अगर मशीन्स है, आयन मशीन्स है, तो वो क्या करता है, उसे क्रोस करता है, ख़राब कर देता है। सो दिस SO2 एंड SO3 इज़ डेंजरस एज वेल द डेंजरस फॉर अस एज वेल एज डेंजरस फॉर द मशीन दैट क्रोस द इक्विपमेंट्स इन द प्लांट, ओके। सो इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहला है कार्बन और हाइड्रोजन, जो सबसे ज़्यादा, ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, बेस्ट इज़ द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। देन नाइट्रोजन, इट शुड बी निग्लिजिबल, ये आपके बिल्कुल लर्न होना चाहिए, कभी भी पूछा तो मैंने आपका लर्न होना चाहिए, इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं, ये एक बार आपको समझना है इसे। देन द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन शुड बी
less, negligible, because it does not contribute towards the combustion. Then oxygen, oxygen when its quantity should be less, the its percentage should be less, because when it combines with the hydrogen, then it forms the moisture in the fuel. Okay. Then sulfur contribute towards the calorific value, means वो combustion के लिए help तो करता है, लेकिन combustion होने के बाद जब gases निकलते हैं, जलता combustion means जलना, combustion होने के बाद जब gases निकलते हैं, that forms the hazardous gases. These gases are hazardous, these are very harmful for us and the machines. So all these are the parameters that are analyzed for the quality of the fuel. इससे हम identify कर सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर, और उसके बाद डिसाइड होता है कि ये कोल सैंपल वहाँ पर सप्लाई करना है कि नहीं, ट्रांसफर करना है कि नहीं. यस, हाइड्रोजन का अगर कम है तो वो जलेगा ही नहीं, हाइड्रोजन अगर कम है तो वो जलेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन अकेला नहीं काम कर सकता है, कार्बन अकेला नहीं काम कर सकता है, कार्बन के साथ उसे हाइड्रोजन भी चाहिए, लेकिन इन दोनों को ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए. अगर ये अगर ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो ये फॉर्म होगा. सो द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इट शुड बी ग्रेटर. ये कैसे वर्क करता है हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे. ओके.